उड़ जाती है नींद में सोचकर, उड़ जाती है नींद में सोचकर, सरहदों पे दी गई वो कुर्बानियां मेरे नींद के लिए थी। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। 16 अगस्त 2022 को भारत माता के वीर सपूत आईटीबीपी जवान अभिराज अमरनाथ यात्री की सेवा व सुरक्षा प्रदान कर बस से घर लौटने के क्रम में बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी और अभिराज देश सेवा में शहीद हो गए थे। 17 अगस्त 2022 को जब शहीद अभिराज का पार्थिव शरीर लखीसराय जिला पहुंचा तो सूर्यगढ़ा क्षेत्र के हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा जुमा पर शहीद अभिराज अमर रहे भारत माता की जय से गुंजायमान हुआ था गगन। गम के साथ साथ सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था कि हमारे क्षेत्र का एक वीर सपूत देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के खेमतरणी स्थान गांव की धारा को शहीदों की भूमि में शामिल कर अमर हो गया शहीद अभिराज। आज 16 अगस्त 2023 को शहीद अभिराज के प्रथम शहादत दिवस के रूप में खेमतरणी स्थान के उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगण में बने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया प्रथम शहादत दिवस शहीद अभिराज का। इस शहादत दिवस को मनाने दरभंगा से आईटीबीपी जवान की एक टुकड़ी और सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल कदरा कैंप के सहायक कमांडेंट शिवम कुमार और आईटीबीपी टीम के इंस्पेक्टर रामाकांत सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के सदस्य रविराज, तो मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नित्यानंद यादव, विद्यालय प्रधानाध्यापक अजय कुमार के साथ साथ विद्यालय के छात्र छात्रा के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थित। सभी उपस्थित ग्रामीणों के बीच जब शहीद अभिराज के माता पिता को आईटीबीपी इंस्पेक्टर रामाकांत सिंह के द्वारा अंग वस्त्र और उपहार भेंट किया जाने लगा तो शहीद अभिराज के माता की रुदन वेदना से उपस्थित सभी लोगों के आंखों में आया आंसू और सभी ने एक साथ शहीद अभिराज अमर रहे, शहीद अभिराज अमर रहे के नारों से फिर आज खेमतरणी स्थान की धारा पे गुंजायमान हुआ शहीद अभिराज अमर रहे की गूंज से। बीच बीच में उपस्थित गण्यमान्य के द्वारा शहीद अभिराज के संबंध में अपने अपने विचारों को रखा और सभी गण्यमान जब अपने विचारों को रख रहे थे तो शहीद अभिराज के याद में उनकी गला रुन जा रही थी और आंखों में आ जा रहा था आंसू और उपस्थित सभी छात्र छात्रा बीच बीच में शहीद अभिराज अमर रहे, शहीद अभिराज अमर रहे के नारों से गुंजायमान कर रहे थे विद्यालय प्रांगण को और सभी अपने अपने संबोधन में शहीद अभिराज की शहादत को जाया नहीं होने दिया जाएगा और सभी के द्वारा हमेशा प्रतिवर्ष
शहीद अविराज की इस शहादत दिवस को मनाने का संकल्प लिया गया और संकल्प उपरांत क्या कुछ कह रहे हैं सीमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की सहायक कमांडेंट शिवम कुमार और शहीद अविराज के ग्रामीण सह मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नित्यानंद यादव सुने। लोग अमर शहीद अभिराज की पहले शहादत दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं। शहीद अभिराज ITBP के भाग थे, आरक्षी दूरसंचार विभाग में कार्यरत थे। 16 अगस्त 2022 को अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के दौरान उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। शहीद अभिराज इसी खेमकरनी स्थान के सपूत थे, यहाँ पे आज हम सभी उपस्थित हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए कई सारी सेवाएं दी और अंत में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज पूरी ITBP की टीम और सशस्त्र सीमा बल की टीम यहाँ पे उपस्थित है शहीद अभिराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके माता पिता के प्रति। सदैव हर एक वर्दीधारी उनके माता पिता के प्रति ऋणी है और हम सदा ये कोशिश करेंगे कि अभिराज की कमी उसके परिवार वालों को, उसके परिजन पुरजन को कभी महसूस नहीं होने दें। धन्यवाद। जय। आज शहीद अभिराज के प्रथम शहादत दिवस पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद, उनके माता पिता को, उनके पूरे परिवार को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश सेवा के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है। इससे हमारे गांव का नाम शहीद स्थल के रूप में आज के जो कुछ आगंतुक थे उनके द्वारा बताया गया कि ये शहीद स्थल के रूप में इसको माना जाएगा। इससे हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सर फख्र से ऊंचा हो गया है। जय हिंद, जय भारत।